खबर बड़वानी से। नर्मदा जयंती पर नर्मदा जी को उड़ाई 1100 मीटर की चुनरी। नर्मदा जयंती को लेकर आज दिन भर बड़वानी राजघाट पर कई तरह के आयोजन। बड़ी संख्या में राजघाट पर पहुंचे श्रद्धालु पूजा अर्चना कर मां नर्मदा का लिया आशीर्वाद। क्षेत्र की जीवनदायिनी मां नर्मदा का जन्मोत्सव शहर के समीप रोहिणी तीर्थ पर उल्लासपूर्वक मनाया गया। इस दौरान श्री 108 राम बाबा के सानिध्य में मां नर्मदा को 1100 मीटर चुन्नी अर्पण की गई। इस मौके पर गाय के दूध से अभिषेक किया गया। मां नर्मदा की सामूहिक आरती हुई, इसके बाद कन्या भोजन और विशाल प्रसादी भंडारे की शुरुआत हुई। बड़वानी नर्मदा जयंती को लेकर आज सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजघाट पहुंचे हैं और नर्मदा जी का पूजन अर्चन कर श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। सुबह से ही न सिर्फ बड़वानी बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजघाट पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। नर्मदा जयंती के दिन आज बड़वानी राजघाट पर जहां श्रद्धालुओं ने नर्मदा जी को 1100 मीटर की चुनरी ओढ़ाई, वहीं आज राजघाट पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे के साथ साथ शाम को दीपदान का आयोजन भी होगा। ये नर्मदा जयंती का 31वां वर्ष होने जा रहा है, इसी उपलक्ष्य में 1100 मीटर की चुनरी मां नर्मदा जी को ओढ़ाई है और कन्या भोजन के साथ में विशाल भंडारे का भी आयोजन रखा गया है, जिसके अंदर 7 कुंटल की पूड़ी है, 4.5 से 5 कुंटल की लुगदी है और 5-5.5 कुंटल की मिक्स सब्जी है। आने वाले जितने भी नर्मदा भक्त लोग हैं वो भंडारे की प्रसादी शाम के 5 बजे तक चलेगी, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। लगातार ये 1 तारीख से 7 तारीख तक का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें प्रतिदिन शाम को अपन ने छोड़े 501 दीपदान और आज भी छोड़ेंगे कम से कम 5000 दीपदान शाम को 6 से 7 बजे। खबर भारत वर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।